हाय गाइस, नमस्ते, इट्स मी अनीशा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, अभी हो रही है एकदम सुबह एंड गाइस गुड मॉर्निंग फ्रॉम नानीज प्लेस। सो सुबह के बज रहे 8 एंड मैं अभी भी सो के उठी हूँ। एंड गाइस, उठने के पहले मैंने सबसे पहली चीज़ की ब्रश एंड उसके बाद मैंने फेस वगैरह वॉश किया, फिर जाकर मुझे थोड़ा फ्रेश लगा। एंड गाइस, फिर मैं किचन में चली गई एंड मैंने मेरे लिए मिल्क बनाया। एंड गाइस, फिर ना मैं थोड़ी देर बाद मैं रेडी हो गई। एक्चुअली मैंने टॉप वही पहना था, लोअर मैंने चेंज कर लिया एंड मैं रेडी होके जा रही हूँ सुबह सुबह वॉकिंग पे। सो गाइस, जब मैं नागपुर में रहती हूँ मैं वॉकिंग बहुत मिस करती हूँ, बिकॉज मॉर्निंग में मेरे शूट्स रहते हैं तो मैं मॉर्निंग वॉक नहीं कर पाती हूँ वहाँ पे। बट यहाँ पे मैं नानी के यहाँ जितने भी दिन थी मैंने ट्राई किया कि मैं मोस्टली मैं वॉकिंग पे चली जाऊँ। एंड यस, सुबह के टाइम पे गाइस माहौल ही अलग रहता है, अलग ही मज़ा आता है सुबह की वॉकिंग में। ऑल्सो गाइज, सुबह वॉकिंग करते करते मैंने बनाया एक छोटू सा फ्रेम। एंड गाइज, ये बहुत ज़्यादा क्यूट पपी था, मुझे रास्ते में मिला। एंड गाइज, ये एक्चुअली मेरे हाथ में ट्राइपॉड था, इसको ये बहुत पसंद आ रहा था, ये तो ये खेल रहा था उसके साथ। फिर गाइज, घर आने के बाद मैं थोड़ी देर बैठी एंड फिर मैंने ना थोड़ी बहुत ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस की, उसके बाद प्राणायाम किया एंड फिर गाइज साथ में मैंने नेक की एक्सरसाइजेस भी की। सो गाइज, एक्सरसाइज करने के बाद मैं आधा घंटा वेट करती हूँ एंड उसके बाद फिर मैं शावर लेती हूँ। एंड फिर यहाँ पे गाइज मैं आ गई बालकनी में एंड यहाँ पे फिर मैंने थोड़ी देर मैंने सोचा धूप लेती हूँ, बट धूप नहीं थी इतनी। एंड फिर मैं अंदर आ गई एंड मैंने अपना स्किन केयर किया। देन गाइज, मुझे बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी तो मेरी मामी ने ब्रेकफास्ट में बनाया था ये वेजिटेबल पोहे जो बहुत हेल्दी थे एंड मैंने इसके साथ सेव भी लिया। ऑल्सो गाइज, मेरी नानी के यहाँ ना पता नहीं कैसे मतलब बिल्ली आ जाती है कहीं ना कहीं से, सुबह से यहाँ पे बिल्ली आई हुई थी एंड हम लोग इसे ब्रेड डाल रहे थे। देन गाइज, जब तक लंच तैयार हो रहा था मैंने सोचा मैं थोड़ा हॉल वगैरह क्लीन कर लूँ, सो मैं हॉल क्लीन करने लगी। सो गाइज, मैं नागपुर से मेरा लैपटॉप नानी के यहाँ लेके चली थी, बिकॉज भले वहाँ पे मुझे शूट नहीं करना था बट गाइज अपलोड्स थे, फिर ट्रांसफ़र करनी थी फाइल्स, बहुत सारा काम था। सो मैं यहाँ पे बैठ के वही कर रही हूँ एंड उसके बाद गाइज फिर मैंने किया लंच एंड फिर गाइज शाम हो गई तो फिर मैंने सोचा कि चलो केक बनाते हैं। मैं यहाँ बहुत दिन से सोचा हुआ था केक बनाने का, फिर बस मैं फाइनली केक बनाने लग गई। फिर गाइज, जब तक केक बन रहा था मैं आ गई रूम में एंड मेरी नानी मुझे बहुत दिन से बोल रही थी कि मुझे हाफ एप्रन बना के दो, तो फिर मैं बोला ठीक है आज चलो बना ही लेते हैं। एंड फिर मैं नानी से क्लॉथ वगैरह लिया एंड मैं एप्रन बनाने बैठ गई।
फिर गाइस मैंने एप्रिन बना दिया था, दो दिन लग गए थे एक्चुअली इसे बनाने में, बट ये बन गया था एंड नानी को बहुत प्यारा लगा ये। फिर गाइस मेरी कज़न ने बोला कि दीदी मैं आपको यहाँ की फेमस भेल खिलाती हूँ, तो वो भेल लेके आई थी एंड गाइस बहुत टेस्टी थी ये भेल। एंड गाइस अब तक ना मेरा केक भी बन गया था, एक्चुअली एक साइड से थोड़ा ऊपर हो गया तो थोड़ा नीचे हो गया था, बट स्टिल पूरा पक गया था प्रॉपर एंड बहुत अच्छा लग रहा था। एंड फिर मैं गाइस नानी और मैं तैयार हो गए, हम लोग एक्चुअली ना धाम जा रहे हैं। फिर रास्ते में नानी ने बोला कि हम लोग मिक्सी दे देते हैं बनाने को, तो बस नानी उधर दे रही है मिक्सी एंड फिर हम लोग पहुँचे धाम। फिर गाइस हमने सत्संग अटेंड किया, दर्शन किया एंड फिर हमें प्रसाद मिला। उसके बाद गाइस हम लोग घर आ गए, बहुत भूख लगी थी तो मैं चेंज भी नहीं किया एंड मैं डायरेक्ट डिनर खाने में बैठ गई। एंड गाइस डिनर में बना था मेरी फेवरेट पाव भाजी, जो बहुत अच्छी बनाई थी मेरी मामी ने। एंड हम सब लोग यहाँ पे टीवी देखते देखते हम लोग बातें करते करते हम लोग खाना खा रहे थे। एंड फिर गाइस उसके बाद हमें ध्यान आया कि केक भी पड़ा है फ्रिज में एंड फिर हम लोगों ने सोचा कि केक कटिंग करते हैं एंड सब ने साथ में फिर केक काटा खाया एंड बहुत यम्मी था। एंड उसके बाद फिर मैं और मेरी कज़न आ गए रूम में एंड हम लोगों ने लूडो खेला। ऑल्सो गाइज अ वीक इन माई लाइफ एट नानीज़ प्लेस भी मेरे चैनल पे है, सो उसका लिंक मैं यहाँ पे डाल दूंगी। एंड गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ ऐसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा एंड आई एम गोना सी यू गाइज नेक्स्ट टाइम। टिल देन बाय।